हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक भी जो है वो फाइल चैप्टर से ही है। फाइल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े फाइल के किस प्रकार, फाइल के ग्रेड, लंबाई, कट और सेफ के आधार पर फाइल का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल का जो फेस होता है बीच में, जैसे ये फाइल है, फाइल का जो बीच में जो ये फेस होता है, ये कुछ उत्तलता लिए हुए रहते हैं, यानी उभरा हुआ रहता है। ये दिखाई बहुत, अगर ध्यान से फाइल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, फेस। फेस पर जो है ये उभरा हुआ रहता है, हल्का सा उत्तलता, मतलब इस प्रकार अगर समतल पूर्णतः समतल नहीं जाता है, हल्का सा उभरा हुआ, जैसे ये जाएगा हल्का सा, जो कि दिखाई भी बढ़िया से नहीं पड़ेगा, हल्का सा उभरा हुआ रहेगा। अब सवाल है कि वो जो उभरा हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है। फाइल का कन्वेक्सिटी कहा जाता है, यानी फाइल का क्या कहा जाता है, फाइल का कन्वेक्सिटी, फाइल का कन्वेक्सिटी बोला जाता है। फाइल का कन्वेक्सिटी इसलिए फाइल पे रखा जाता है कि अगर फाइल पूर्णतः अगर समतल में बनेगा, तो जब फाइल किसी जॉब पर फाइलिंग कीजिएगा, तो ये पूरा फाइल जो है एक समान पूरे फाइल जॉब पर पूर्णतः बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा उस वक्त क्या होगा, फाइलिंग करने में ताकत ज्यादा लगेगा। इसलिए फाइल में कुछ उभार लिए हुए उत्तलता दिया जाता है, कन्वेक्सिटी, कि फाइल किसी भी वक्त कहीं कभी भी कितना कुशल कार्य कर रहेगा, फाइल का जो है वो हल्का जो है वो दबाव एक तरफ पड़ ही जाता है। तो अगर वो दबाव पड़ता है, इसीलिए फाइल के बीच में जो भार दिया जाता है कि पूरा फाइल की बॉडी जॉब पर टच नहीं करे और वो फाइलिंग होते रहेगा। इसलिए कि और पूरा अगर समतल रहेगा ताकत लगेगा, इसलिए उसमें कारीगर को भी या वर्कर को भी जो है कम ताकत लगेगा, जॉब भी बढ़िया बनेगी। इसीलिए फाइल की पूरी बॉडी सरफेस पर, फाइल की पूरी बॉडी एक साथ संपर्क में नहीं आएगी और कारीगर थकान महसूस नहीं करेगा। फाइल पूरी लंबाई में एक समान धातु काटेगा, फाइल पर कन्वेक्सिटी रहने से एक समान पूरा बॉडी में काटेगी धातु। फाइल को चलाते समय ताकत नहीं है। और दूसरा है कि फाइल इसको क्या बोलाता है, उभरा हुआ जो फाइल पर आता है वो फाइल की कन्वेक्सिटी। और दूसरा है फाइल का पिनिंग क्या होता है। तो फाइल करते करते फाइल के टीथ में, जैसे ये है, फाइल के टीथ में मेटल का जो है वो कण फंस जाते हैं। फाइल करते करते कण फंस जाते हैं। कण जब फंस जाते हैं तो किसी भी सरफेस का या जॉब पर अगर उसको हम बनाते हैं,
वो स्क्रेच आना शुरू हो जाता है। जैसे ये जॉब पर अगर हम फाइलिंग करेंगे तो इसमें जो कम जो फंसता है वो पूर्णतः साफ नहीं हुआ, स्क्रेच लिए हुए बनेंगे। इसको क्या बोला जाता है? फाइल की पिनिंग। तो फाइल का पिनिंग जो है, जब जॉब पर स्क्रेच आना शुरू हो जाए तो उसको फाइल के टीथ को साफ कर लेना चाहिए। तो साफ अगर कैसे कीजिएगा, पिनिंग को कैसे हटाना है? पिनिंग को हटाने के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? फाइल कार्ड। फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल कार्ड जो होता है, फाइल कार्ड दो तरह का होता है। जैसे फाइल पर जो है कॉपर यानी तांबा या पीतल ब्रास का, ब्रास का प्रयोग करना चाहिए। इससे इससे करने में से क्या होगा कि ये जो फाइल पर जो हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ रहता है वो टीथ जो है खराब नहीं होगी। इसीलिए ये सॉफ्ट जो है फाइल कार्ड का या ब्रश का उपयोग करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फाइल से जब पिनिंग को उसके चिप्स को साफ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ब्रश को जब पकड़िएगा तो ये टीथ जो दिखाई पड़ रहा है जिस रो में टीथ रहेगा, जैसे फाइल को अगर चलाना है तो इसी अनुपात से चलाना है एक एक करके, तब वो जो है वो इसका बुराला या चिप्स बाहर आएगा। तो ये तो हो गया फाइल का। अब बहुत जगह जो है स्टील का बना हुआ ब्रश रहता है यानी तार का, तार के ब्रश से फाइल को साफ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इसमें जब फंसता है, जब उससे साफ किया जाता है, इसका जो हार्डनेस होता है फाइल का वो घिस जाता है, और घिस जाने के बाद जो है इसमें से जब ये दोनों टीथ कटता है ये, इसमें जो उभार होता है वो कम होता है, कम होता है, और जब फाइल करते करते टीथ में हल्का स्क्रेच आता है तो इसमें से और पिनिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये था फाइल का पिनिंग और कन्वेक्सिटी। आज जो है फाइल चैप्टर में फाइल का पिनिंग और कन्वेक्सिटी को पढ़े। आज हम लोगों का फाइल चैप्टर खत्म हो गया है, लास्ट था, इसलिए सारे स्टूडेंट फाइल को गौर से देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग भी नया नया टॉपिक नए नए चैप्टर में लेके आएंगे और बनाने में भी मजा आएगा। इसलिए वीडियो को गौर से देखें और जो नोट्स देते हैं उसको भी नोट्स में बनावें। तब तक के लिए धन्यवाद।